वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 12, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पार्ट 2। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब हम आगे देखेंगे इसमें बडिंग। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द टाइनी ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो टाइनी ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो यीस्ट जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर ही ओनली सीन होता है। तो वो हमने ऑलरेडी लर्न किया ही है कि माइक्रोस्कोप जो है उसके अंदर ही उनको सीन होता है यीस्ट। दिस ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स इफ सफिशियंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू इट। तो उनको इसको मल्टीपल एवरी फ्यू आवर्स में उनको सफिशियंट न्यूट्रिएंट्स जो मिलता है उसका क्या होता है, प्रॉपर तरीके से उसका ग्रो होता है। रिमेंबर डेट इस इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस। तो रिमेंबर करो इस जो है तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो उनको देखा है कि वो किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। एक्टिविटी 12.3, टेक अ पीस ऑफ इस केक और इस पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और अ केमिस्ट शॉप। तो इसका पीस और इसका जो पाउडर है वो आपको बेकरी और केमिस्ट शॉप से लेना है। टेक अ पिंच ऑफ ईस्ट एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विथ सम वाटर। तो आपको इसके पिंच में लेना है और क्या करना है, कंटेनर के अंदर सम वाटर उसमें ऐड करना है और उसको जगह पे रख देना है। एड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिसोल्व इट, कीप इट इन अ वार्म पार्ट ऑफ द रूम। तो उसके अंदर स्पूनफुल शुगर जो है उसके अंदर डालनी है और उसका शेक करके उसको क्या करना है, डिसोल्व कर देना है। तो रूम का जो गर्म पार्ट है उसको वहाँ उसको रखना है। आफ्टर एन आवर पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो एक आवर के बाद क्या करना है, ग्लास साइड पर लिक्विड का ड्रॉप आपको पुट करना है एंड क्या करना है, माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करना, आपको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया। यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल्स फिगर 12.5। तो आपने क्या देखा कि न्यू ईस्ट सेल का फॉर्मेशन होता है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 12.5, रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बडिंग। बडिंग के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन, तो वो देखते हैं हम, ये क्या है, पहले क्या है उसको क्या कहते हैं, इस सेल कहते हैं, तो उसके बाजू में देखते हैं, तो ये क्या है, क्या है उसको क्या कहते हैं, ये क्या है, डेवलपिंग बर्ड कहते हैं। तो उसके आगे देखते हैं तो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यू बर्ड कहते हैं। एंड लास्ट में क्या है, क्या होता है, ये चेन ऑफ बर्ड्स, बस का चेन बनता है। तो बडिंग के द्वारा इसमें ऐसे रिप्रोडक्शन होता है, तो वो हमने देख लिया अभी कैसे होता है। ओके, द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड अ बर्ड। तो स्मॉल बल्ब यानी इससे जो प्रोजेक्शन जो होता है वो कमिंग आउट होता है, तो उसको क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। द बर्ड ग्रेजुअली ग्रोस एंड गेट डिटेच फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फ्रॉम द न्यू सेल इज। तो बर्ड जो है उसका ग्रेजुअली क्या होता है, उसका ग्रोथ होता है एंड पेरेंट सेल से वो क्या होता है, डिटेच होता है, उससे क्या होता है, न्यू इज सेल प्रोड्यूस होता है, बनता है। द न्यू इज सेल ग्रोथ मैच्योर्स एंड प्रोड्यूस मोर इज सेल्स। तो न्यू इज सेल जो है उसका ग्रोथ होता है, मैच्योर होता है, तो वो मोर इज सेल्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उससे मोर इज सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं। समटाइम्स अनदर बर्ड अराइजेस फ्रॉम अ बर्ड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स। तो समटाइम्स क्या होता है, जो अनदर बर्ड जो है वो
और ऐसे सो जाते हैं, तो क्या होता है, बर्ड से बर्ड की चेन बनती है। तो वैसे देखिए वो कैसे, ऐसे हमने देखिए चेन ऑफ द बर्ड्स, बर्ड्स की चेन बनती है ना। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस अ लार्ज नंबर ऑफ इस सेल आर प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होती है तो इस सेल के लार्ज नंबर में शॉर्ट टाइम में वो प्रोड्यूस होता है। इस सेल जो है वो शॉर्ट टाइम में उसमें लार्ज नंबर ऑफ इस सेल क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अब उसमें हम आगे देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पेचिस इन पॉन्ड्स और इन द स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज, तो आपने वाटर बॉडीज के स्टैग्नेंट के अंदर और पॉन्ड्स के अंदर आपने ग्रीन पेचिस के, स्लिमी ग्रीन पेचिस को आपने देखा ही होगा। तो कैसा होता है, ग्रीन जैसा होता है वो पॉन्ड्स में क्या उसका उसको वो प्रोड्यूस होता है, आपने सबने देखा होगा। दिस आर द अल्गी, इसको क्या कहते हैं, अल्गी कहते हैं। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल अल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन, तो उनको वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं तो उसको क्या होता है, अल्गी का मिलते हैं तो उसको क्या होता है, अल्गी का ग्रो होता है और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा उसको मल्टीप्लाई रैपिडली होता है। एंड अल्गा ब्रेक्स अप इंटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स, तो अल्गा जो है वो टू और मोर फ्रेगमेंट्स के अंदर वो ब्रेकअप्स होता है। दिस फ्रेगमेंट्स और पीस ग्रो इंटू द न्यू इंडिविजुअल फिगर 12.6, तो ये जो फ्रेगमेंट्स है और उसका जो पीसीस है वो न्यू इंडिविजुअल्स के अंदर उसका क्या होता है, ग्रो होता है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 12.6 फ्रेगमेंटेशन इन स्प्रियोग्रा एंड अलगा कहते हैं, तो स्प्रियोग्रा एंड अलगा में फ्रेगमेंटेशन तो कैसे डाय पहले, उसके बाद क्या हो गया, उसको ऐसे हो गया ना, ये एक दूसरा ऐसे दिया गया है, दोनों स्प्रियोग्रा में फ्रेगमेंटेशन दिया गया है। तो जो फ्रेगमेंट है क्या होता है, पीसी से उसका न्यू इंडिविजुअल्स के अंदर उसका ग्रो होता है वो आपने देख लिया। तो क्या होता है, अलगा जो है वो टू और मोर फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेकअप्स होता है, आपने वो देख लिया। ओके, दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होती है तो लार्ज एरिया में वो शॉर्ट टाइम पीरियड में वो कवर होता है। तो ये जो भी प्रोसेस है वो कंटिन्यूस होती है तो लार्ज एरिया जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या होता है, कवर हो जाता है। तो उसमें आगे देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन। इन चैप्टर फर्स्ट यू लर्न दैट द फंगी ऑन अ ब्रेड पीस ग्रो फॉर स्पॉर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर, तो चैप्टर वन में हमने ऑलरेडी लर्न किया ही था कि एयर में प्रेजेंट जो स्पॉर्स जो होते हैं तो उसका ग्रो होता है और जो ब्रेड का जो पीसीस पर क्या हो जाता है, फंगी आ जाती है। तो ब्रेड का पीसीस पर फंगी का क्या होता है, ग्रो होता है, क्योंकि एयर में स्पॉर्स जो प्रेजेंट रहते हैं तो ब्रेड का पीसीस पर फंगी का क्या होता है, ग्रो होता है। रिपीट एक्टिविटी 1.2, ऑब्जर्व द स्पोरस इन द कॉटन लाइक मैस ऑन अ ब्रेड, तो ये एक्टिविटी 1.2 रिपीट करनी है। तो आपको क्या ऑब्जर्व करना है, तो स्पोरस जो है वो ब्रेड पर क्या है, कॉटन लाइक यानी मैस की तरह होते हैं। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 12.7 रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस, फंगस में स्पोर के फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन। तो उसमें हम देखते हैं पहले ये क्या है, पहले क्या कहते हैं,
हाइपा कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइपा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्पोरंगियम, क्या कहते हैं, स्पोरंगियम कहते हैं। तो अभी जो बात हो रही है स्पोरस की, इसको क्या कहते हैं, ऐसा ऐसा हो जाता है, पता है ना, क्या कहते हैं, स्पोरस कहते हैं। तो आपने वृक्ष के ऊपर भी ऐसा देखा होगा, व्हेन स्पोरस आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर। तो जब स्पोरस जो रिलीज होता है तो एयर में वो क्या होता है, फ्लोटिंग होता है। यस दे आर वेरी लाइट, दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो वो वेरी लाइट है एंड लॉन्ग डिस्टेंस वो कवर करता है। स्पोरस आर अ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। तो स्पोरस जो है उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। तो इस स्पोरस जो है वो हाई प्रोटेक्टिव कोट के द्वारा कवर होता है। तो अनफेवरेबल कंडीशन यानी हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी में भी वो स्टैंड रहते हैं। All the students look at the figure 12.8 reproduction through spore formation in fern. Fern में spore formation के through reproduction. इसमें मेन ये लिखना है उसको क्या है, इसको क्या कहते हैं, सॉरी कहते हैं spore formation bodies, इसका कहते हैं सॉरी कहते हैं। तो वही मेन है इसमें, इधर ये जो है वो ओके। तो फ्रेंड में स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन हमने देख लिया। सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसलिए वो लॉन्ग टाइम सर्वाइव रह पाते हैं क्योंकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी रहते हैं, इसलिए वो लॉन्ग टाइम सर्वाइव कर पाते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन अ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल्स। तो फेवरेबल कंडीशन के अंडर स्पोर जर्मिनेट करते हैं एंड न्यू इंडिविजुअल्स के अंदर उनका डेवलप होता है। प्लांट्स सच एस मॉस एंड फ्रेंस फिगर 12.8। प्लांट्स में मॉस एंड फ्रेंस फिगर 12.8 में हमने देखा ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई मीन्स ऑफ स्पोर्स। तो प्लांट्स सच एस मॉस एंड फ्रेंस जो है वो स्पोर्स के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है। We will meet in next video.